Hey guys, कैसे हैं आप लोग। आपका मोस्ट वेलकम है हमारे सेशन में जो हमने अभी 2 बजे का स्टार्ट किया है। गाइस, कल हम लोगों ने बात की थी फाइनेंशियल अवेयरनेस की, आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की, और कल हम बात करेंगे अपने FAQ सेशन की। FAQ सेशन का मतलब क्या है, मैं पहले उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दूँ। गाइस, आपको शायद नीचे टिकर दिख रहा होगा जिसमें आपको मेरी ईमेल आईडी दिखा रही है, उस ईमेल आईडी को नोट कर लीजिए। आपको जो भी डाउट्स हैं, आपको जो भी क्वेरी है, आपको मेरे बारे में कुछ क्वेश्चन पूछना है, मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछना है, तो कल दिन के 2 बजे हम FAQ सेशन करने वाले हैं। मैं पहले भी कर चुका हूं, लेकिन गाइस पहले क्या होता है कि इतने सारे कमेंट्स होते हैं ना कि हम उसे पढ़ नहीं पाते और सबके आंसर दे नहीं पाते। आप मुझे मेल कर दीजिए इस ईमेल आईडी पर, मैं आपके नाम के साथ आपके क्वेश्चन को यहां पर बताऊंगा और उसका आंसर भी करने की कोशिश करूंगा। कल दिन के 2 बजे FAQ सेशन हमारा होगा, तो ये जो मेल आईडी आपको दिख रही है नीचे, वो मेरी मेल आईडी है। आपको इसी मेल आईडी पर मेल करना है अपने प्रॉब्लम, अपने डाउट, कुछ क्वेश्चन पूछना है, कुछ भी। तो ये आपको मैंने बता दिया है, देख लीजिए, abhijeet@guidly.in, ये मेरी ईमेल आईडी है ऑफिशियल। ठीक, चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन गाइस। पहला क्वेश्चन आपके सामने आपसे पूछा गया है कि 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे हम सेलिब्रेट करते हैं, उसकी थीम क्या। 1 मई को हम इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट करते हैं, इस बार की थीम आपसे पूछी गई है, आपको इसका आंसर देना है। जल्दी जल्दी चलेंगे, पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है गाइस। आंसर, फास्ट आंसर, क्या इसका आंसर होगा। हाँ अंशुल जी, आप मेरे लाइफ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर आपको उसकी उसकी हेल्प मिले अपने करियर में या फिर अपने अपने आपका जो फ्यूचर आने वाला है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं है। बड़ा भाई हूं भाई, बड़ा भाई हूं, सारी हेल्प करूंगा बॉयस, परेशान ना होइए। चलिए आंसर दीजिए, क्या इसका आंसर होगा। आंसर की बात कर ले तो आंसर हमारा होगा कोरोना वायरस, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सबके कमेंट मैं यहां पर देख रहा हूं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हु हैज बीन कंफर्ड विद द ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन बाय द जापानीज गवर्नमेंट फॉर प्रमोटिंग स्ट्रॉन्ग इंडिया जापान टाइज। जापान और भारत के मजबूत संबंधों को बढ़ावा देने के लिए ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से किसको सम्मानित किया गया है, ये आपसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने, और इसका आंसर क्या होगा जल्दी से हमको बताइए, फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे अपने क्वेश्चन पे फटाफट। और इसके आंसर की बात करें, अभी तक आंसर नहीं आए हैं, इसका आंसर होगा डॉक्टर थंगजैम डाबली सिंह, ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर। जगरूप जी, जगरूप सर, गुड आफ्टरनून सर। चलिए ऑप्शन नंबर ई हमारा सही आंसर है, बिल्कुल सही, अंकिता कुमारी ने पहला आंसर दिया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नेम द अल्बामा टीम, अल्बामा यूएस में है, अल्बामा टीम, हु हैज नेम नासा पायनियरिंग मार्स हेलीकॉप्टर इंजेन्यूटी विच विल बी द फर्स्ट एयरक्राफ्ट टू फ्लाई टू द प्लैनेट। उस अल्बामा किशोर, एक्चुअली नासा ने कॉन्टेस्ट कराया था, तो उस कॉन्टेस्ट में अल्बामा का ये किशोर जिसने जिसने ये कॉन्टेस्ट जीता, तो उसने मंगल ग्रह पर एक हेलीकॉप्टर उड़ाएगा नासा, उसका नाम इंजेन्यूटी रखा है। क्या वो उस व्यक्ति का नाम क्या, उस बच्चे का नाम क्या है, ये आपसे पूछा गया, आपको आंसर भी दे रहा हूं। आंसर इज वानीजा रूपानी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, बिल्कुल ठीक है। Who among the following has written the book The Room Where It Happened, a White House Memoir? ये मैंने आपसे 3-4 दिन पहले क्वेश्चन अपने करंट अफेयर्स में पूछा हुआ है कि इस बुक के ऑथर कौन है। द रूम वेयर इट हैपेंड, ये फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है ऑफ द डोनाल्ड ट्रंप। इनका नाम क्या है, अभी तक आंसर नहीं आने शुरू है। इनका नाम है जॉन बॉल्टन, ऑप्शन नंबर सी, जॉन बॉल्टन, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, पीपीटी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, सारे सारे ऑप्शन के साथ और सारे सारे एक्स्ट्रा पॉइंट के साथ सब कुछ आपको मिल जाएगा। विच स्टेट हैज टॉप इन द लिस्ट ऑफ द स्टेट प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू अनस्किल्ड लेबर अंडर मनरेगा। मनरेगा में अनस्किल्ड लेबर को सबसे ज्यादा जॉब देने के मामले में कौन से राज्य ने टॉप किया है। भैया 5 ऑप्शन, आपको इसका आंसर देना है, व्हाट इज द आंसर, इसका आंसर क्या होगा। जब मैंने पढ़ाया था कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिली है, तो कुछ लोगों ने अपनी भी तलवारें खींच ली थी कि सर बस मिल जाइए, इसका आंसर छत्तीसगढ़ होगा, जैसे आज हुआ था मॉर्निंग वाले सेशन में। तो अनस्किल्ड की बात है, वहां पर छत्तीसगढ़ पहला आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। तो हु हैज लॉन्च द बैंक ऑफ स्कीम आइडिया इनोवेशन एंड रिसर्च पोर्टल ऑन MSME। सुनना बहुत ध्यान से, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इनमें से किसने एक योजना शुरू की है बेसिकली, जो कि आइडिया इनोवेशन और रिसर्च के लिए काम करेगा। एग्जैक्टली में एक पोर्टल है जिसमें आप MSME के डेवलपमेंट के लिए अपने आइडियाज, अपने इनोवेशंस, अपने रिसर्च आप बता सकते हो उस पोर्टल पे। उस पोर्टल का नाम मैं आपको आगे बताऊंगा, इस पोर्टल को किसने लॉन्च किया ये आपसे पूछा गया। तो हु इज आवर MSME मिनिस्टर, मिस्टर नितिन जयराम गडकरी जी। तो आंसर क्या हो जाएगा, नितिन गडकरी जी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। और उस पोर्टल की बात करें गाइस, तो पोर्टल देखो यहां पे है, हालांकि आपसे पोर्टल का नाम एग्जाम में शायद ही पूछा जाए, ये पोर्टल है ideas.msme.gov.in। नेक्स्ट क्वेश्चन,
who has been appointed as the new head coach of the FC Goa Football Club. Guys, आप कोई भी एग्जाम देने जाओ ऐसे क्वेश्चन आते हैं. बस एक सजेशन मेरा, मान लेना कि जब भी हम फुटबॉल या हॉकी या कभी कोच की बात करते हैं, उसकी कंट्री जरूर पढ़ना. मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन उसकी कंट्री से पूछा जाता है कि किस देश से बिलोंग करते हैं. तो एफसी गोवा फुटबॉल क्लब के कोच कौन बने ये भी याद कर लीजिए, और वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं आपको ये भी याद रखना है. तो वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो बिलोंग करते हैं जुआन फर्नांडो, ये स्पेन के हैं. देखो यहां पर ठीक, तो स्पेन के हैं जुआन फिराजो. ऑप्शन नंबर आपका क्या था, सी इज राइट आंसर. आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु हैज टेकन चार्ज एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स. व्हाट इज द आंसर गाइस, क्या इसका आंसर होगा? सब लोग मेरी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए गाइस, और कल मैं दिन के 2 बजे एफएक्यू सेशन लूंगा. आपके क्वेश्चंस, आपकी प्रॉब्लम, आपके डाउट, आपको कुछ मेरे बारे में जो भी आपको पूछना है, आपके नाम के साथ, आपकी ईमेल आईडी के साथ मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करूंगा. ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा मुझसे, ठीक है. आंसर इज जैकलीन हग्स, ये बेसिकली एक फीमेल है, तो इनका नाम याद कर लीजिए, देख लीजिए यहाँ पर. आगे बढ़ेंगे, ये हैदराबाद में है, हैदराबाद बेस्ड इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, ठीक है. तो जैकलीन जो है ये बनी है. आगे बढ़े और बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच फिनटेक फर्म हैज लॉन्च द लॉकडाउन लोन स्कीम फॉर द एमएसएमई टू टाइड ओवर द कोविड-19 क्राइसिस. कोविड-19 संकट से निपटने के लिए किस फिनटेक फर्म ने एमएसएमई के लिए लॉकडाउन लोन योजना शुरू की है. ऐसे क्वेश्चन बेसिकली बैंकिंग वाले बच्चों के एग्जाम में काफी आते हैं, तो आंसर क्या होगा देख लीजिए और मुझे आंसर दीजिए. अंगिता पॉल का पहला आंसर बोल रही हैप्पी, क्या ये सही आंसर है, क्या ये सही आंसर होना चाहिए? तो इसके आंसर की बात कर ले, हैप्पी इज एब्सोल्युटली राइट आंसर, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर. वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. चलिए एक बार मेरा बर्थडे था तो मैं अपने भाभी के यहाँ गया था, तो वहां पर एक गांव के ही रिलेटिव थे, तो उनको मुझे विश करना था, वो थोड़ी नर्वस हो रही थी तो उन्हें मुझे हैप्पी बर्थडे की जगह हैप्पी न्यू ईयर बोल दिया था. चलो नेक्स्ट पॉइंट, विच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप अ माइक्रोवेव स्टरलाइजर नेम अतुल्या to disintegrate COVID-19 using differential healing of the range of 56 to 60 degree Celsius temperature. सिंपल लैंग्वेज में आपको यह बताना है कि अतुल्य नाम का माइक्रोवेव स्टरलाइजर किसने डेवलप किया, सिंपल सी भाषा में. टेम्परेचर मत जाइए, आंसर दीजिए क्या इसका आंसर होगा. अब अंगिता पॉल विश करने में नर्वस क्यों, मुझे क्या मालूम क्यों नर्वस, बस नर्वस तो नर्वस. आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, आंसर इज आईआईटी खड़गपुर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. आईआईटी खड़गपुर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. हाँ, 2 दिसंबर को मेरा बर्थडे होता है, जी हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं. कौन था ये, शुभांगी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो इस बार गिफ्ट भेजना मत भूलिएगा मुझे, है ना, 2 दिसंबर. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे. विच फॉर्मर बैंकर हैज बीन नेम्ड एज एन एडवाइजर टू द डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन गूगल पे. तो गूगल आपसे पूछा गया कि किस फॉर्मर बैंकर को गूगल पे ने अपना डिजिटल मतलब अपना एडवाइजर अपॉइंट किया, अपना एडवाइजर, ये भी अच्छा क्वेश्चन है. व्हाट इज द आंसर, वी आर 5 ऑप्शन. अरे वो मैं गांव में गया था और मैं शहर का लड़का था, तो थोड़ा सा वो वाली चीज हो गई थी. हालांकि कौन किसे पता कि मैं भी गांव से ही हूं. व्हाट इज द आंसर, एंड द आंसर इज शिखा शर्मा, ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर. शिखा शर्मा हमारा सही आंसर है. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें. द दिल्ली पुलिस कमिश्नर हैज लॉन्च विच इनिशिएटिव टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ फ्रंटलाइन कोविड वॉरियर्स बाय इंश्योरिंग इम्यूनिटी बूस्टिंग मेजर्स आर इन प्लेस. तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कौन सी पहल शुरू की है ताकि प्रतिरक्षा को बढ़ाने के उपायों को सुनिश्चित करके फ्रंटलाइन कोविड योद्धाओं को स्वास्थ्य को बनाए रखा जाए. तो ये देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा. And the right answer is आयु रक्षा application की यहां बात हो रही है. देखिए यहां पर तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर एस एन श्रीवास्तवा जी हैं जिन्होंने कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग आयु रक्षा नाम का एक इनिशिएटिव शुरू किया था, याद करना जरूरी है. आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें. द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट लॉन्च अ पोर्टल टू गैदर पब्लिक फीडबैक एंड सजेशन ऑन गवर्नमेंट स्कीम एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन. किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सरकारी योजनाओं और सामान्य प्रशासन पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया और सुझाव एकत्र करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया, फीडबैक पोर्टल किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, ये आपसे पूछा गया है. वी हैव 5 ऑप्शन, आंसर क्या होगा इस, ये आपको बताना है मुझे. तो आंसर की बात कर ले, आंसर है सिक्किम, ऑप्शन नंबर 1.
सिक्किम ने लॉन्च किया, ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर। पूरा पूरा पॉइंट आपके पीपीटी में है गाइस, परेशान ना हो, इसको मैं पीडीएफ में कन्वर्ट करके ग्रुप में डाल दूंगा। हालांकि कोई अगर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो मैं यहां पे खुद डिस्कस करूंगा, परेशान ना होइए। नेक्स्ट पॉइंट, हु हैज बीन नेम्ड एज द इंडियाज न्यू एंबेसडर टू ब्राजील, भारत के नए राजदूत ब्राजील में कौन बने हैं आपसे पूछा गया है। पांच ऑप्शन आपके पास है, सही आंसर आपको देना है और सही देना ही पड़ेगा, है ना। आंसर क्या होगा देख लीजिए, यहां पर फाइव ऑप्शन हमारे पास है और आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सुरेश के रेड्डी जी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सुरेश के रेड्डी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, बिल्कुल सही। सोना अरविंद का पहला आंसर आ गया है, सोना अरविंद, बहुत बढ़िया। एक मेरा फेवरेट गाना भी है, तुम्हें पता तो होगा, मतलब गाना सुना होगा, मैं सॉन्ग की बात कर रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच कंट्री हैज डिसाइडेड टू सपोर्ट एडीबी डेवलपिंग मेंबर कंट्री रिस्पॉन्ड टू कोविड 19 चैलेंजेस फॉर प्रोवाइडिंग $150 मिलियन थ्रू इट्स फंड फॉर पॉवर्टी रिडक्शन। यानी कौन सा देश एशियन डेवलपमेंट बैंक की हेल्प कर रहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक को $150 मिलियन का पैसा अमाउंट देकर कि भैया ये लो पैसा, आगे आप किसी को लोन दे देना, वो कौन सा देश है ये आपसे पूछा गया और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। अंशु सोना अरविंद लड़का है बेटा, तो आंख में दिल से कोई फायदा नहीं है, बहुत अच्छा बच्चा है वो। आंसर क्या होगा, आंसर इज जापान, ऑप्शन नंबर ई, जापान ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू गेट नॉमिनेटेड फॉर फिट कप हार्ट अवार्ड फॉर द एशिया ओशिनिया जोन। ये तो आप लोग पक्का बता लोगे, मुझे पता है। एशिया ओशिनिया क्षेत्र से फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए किसे नामांकित किया गया है, मतलब ये पहली भारतीय हैं। आंसर दीजिए, वी हैव फाइव ऑप्शन, वी हैव फाइव ऑप्शन, क्या इसका आंसर होगा, व्हाट इज द आंसर गाइस, व्हाट इज द आंसर। बहुत दिन हो गया। एंड द आंसर इज सानिया मिर्जा, ऑप्शन नंबर बी। सानिया मिर्जा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। चक हाउ फ्रॉम मणिपुर हैज रिसेंटली रिसीव अ जीआई टैग, इट इज अ वैरायटी ऑफ विच प्रोडक्ट विच हैज बीन यूज्ड इन मणिपुर ओवर कंट्रीज। तो मणिपुर के चक हाउ को हाल ही में जीआई टैग मिला है, ये किस चीज की वैरायटी है ये आपसे पूछा गया है। वी हैव फाइव ऑप्शन, सभी सबको सही आंसर देना पड़ेगा। व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज द आंसर और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर राइस है, ऑप्शन नंबर डी। हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ, राइस ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है। द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च एन एग्री एंटरप्रेन्योर फैसिलिटेशन जस्ट टू बूस्ट प्राइमरी सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी आफ्टर लिफ्टिंग ऑफ द नेशन वाइड लॉकडाउन। तो किस राज्य की सरकार ने देशव्यापी तालाबंदी के बाद अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए कृषि उद्यमी सुविधा डेस्क शुरू किया है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली मिलेंगे, आप देख लेना। याद करना टफ है लेकिन नामुमकिन नहीं है, तो हमारा सेशन आप देखते रहिए। आंसर दीजिए, क्या इसका आंसर होगा। वी हैव फाइव ऑप्शन, व्हाट इज योर आंसर। और यहां पर बच्चे बोल रहे हैं त्रिपुरा, इतिश्री का पहला आंसर आया एंड द आंसर इज त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, The National Board for Wildlife has permitted coal mining in the forest area of which natural reserve? National Board for Wildlife ने किस प्राकृतिक रिजर्व के वन क्षेत्र में कोयला खनन की अनुमति दे दी है, क्योंकि जहां पर ये कोयले की खान है वहां से वाइल्ड लाइफ जो जीव है उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला, तो वो कौन सा वाइल्ड लाइफ रिजर्व है वो आपको बताना है। बेबी सैनी जी ये क्लास रेगुलर है लेकिन अलग अलग फ्लेवर में है, 2 बजे क्लास आपको मिलनी है, ये तय है आपका, ठीक है। आइए आंसर की बात कर लें और इसका आंसर क्या होगा। आंसर इज डेहिंग पटकी एलिफेंट रिजर्व आसाम, तो ये आसाम में है। स्टैटिक पॉइंट के लिए भी जरूरी है, स्टैटिक पॉइंट के लिए भी जरूरी है, ठीक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लें। द सी एस आई आर हैज लॉन्च विच एप्लीकेशन टू कनेक्ट फार्मर टू द सप्लाई चेन एंड फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम। तो अभी सी एस आई आर ने किसानों को आपूर्ति श्रृंखला और माल परिवहन प्रबंधन प्रणाली से जोड़ने के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया। पांच ऑप्शन हमारे पास हैं और आपको इसका सही आंसर देना है। व्हाट इज द राइट आंसर गाइस, क्या इसका सही आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है और आंसर की बात कर ले तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर किसान सभा एप्लीकेशन है, ऑप्शन नंबर बी। शाहिना खान गलत आंसर, तमन्ना गलत आंसर बेटा, कुछ लोग कमेंट भी डिलीट कर रहे हैं। तो किसान सभा एप्लीकेशन ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। देखो मैं चेहरे से खूंखार लगता हूं, मैं बड़ा जेंटलमैन, तो डिलीट करने से कोई मतलब नहीं है, है ना। मैं बहुत सीधा हूं और मतलब मैं मिर्जापुर से बिलोंग करता हूँ, काफी ये सीधे लोगों का शहर भी है, तो डोंट मतलब डरो मत, है ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट, द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज लॉन्च विच प्रोग्राम टू एड्रेस हेल्थ रिस्क रिलेटेड टू कोविड 19। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने कोविड 19 से संबंधित स्वास्थ्य जोखिमों को दूर करने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है। वी हैव फाइव ऑप्शन, देख लो। डीएसटी ने,
डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया है हेल्थ रिस्क से बचने के लिए, आंसर आपको देना है, क्या इसका आंसर हुआ देख लीजिए। और यहां पर आंसर भी आ रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं, यश यश और यश आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यश ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। एक्चुअली में यश का फुल फॉर्म है ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑफ साइंस एंड हेल्थ, ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑफ साइंस एंड हेल्थ, तो ये याद कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following has written the book Shivaji in South Block, the unwritten history of a proud people? किसने South Block में Shivaji the unwritten history of a proud people पुस्तक लिखी है? पांच ऑप्शन हमारे पास है, सही आंसर आपको देना होगा, क्या इसका आंसर होगा जल्दी से मुझे बताएं। ठीक है ठीक है ठीक है, और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर गिरीश कुबेर कुबेर जी है, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, गिरीश कुबेर इज राइट आंसर, याद कर लीजिएगा, महाराष्ट्र से हैं ये। ठीक है आगे बढ़े और अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन चूजन फॉर द निक्की एशिया प्राइज 2020 फॉर क्लीन वाटर टेक्नोलॉजी। निक्की एशिया प्राइज 2020 के विजेता कौन है जिन्हें स्वच्छ जल प्रौद्योगिकी के लिए अवार्ड मिला है? तो निक्की एशिया प्राइज की हम बात कर रहे हैं, आंसर क्या होने वाला है देख लेते हैं। आज 283 लोग लाइव वॉच कर रहे हैं, क्या हम लोग 400 जा सकते हैं, 400 एक बार शेयर कर देते हैं। तो सब लोग शुरू करिए शेयर करना प्रभु का नाम लेकर, और एक बार शेयर कर दीजिए ताकि 400 लाइव हमारे पास आ जाए, आज 300 हो जाएंगे आराम से मुझे लगता है सर। And the answer is T. Pradeep, option number D. T. Pradeep, option number D is the right answer. Bilkul sahi. Next line. Who among the following players has bagged the New Zealand Cricketer of the Year award? Isme se kis khiladi ko New Zealand? Maine share bola 10 kam ho gaye. New Zealand Cricketer of the Year award mila hai. We have 5 option. What is your answer? Aapka answer kya hoga guys? Dekh lijiye. New Zealand Cricketer of the Year ki hum baat kar rahe. आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, आंसर इज रॉस टेलर, ऑप्शन नंबर बी, रॉस टेलर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, रॉस टेलर को ये अवार्ड मिला है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। द गवर्नमेंट हैज रेज द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ऑफ 49 आइटम इन व्यू टू सर्कमस्टांसेस अराइजिंग ऑफ द कोविड-19। मेरी बात समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन क्या है, द प्राइसेस आर रिवाइज एवरी हाउ मेनी ईयर बाय द प्राइसिंग सेल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो गांव में थोड़ा जंगल एरिया में जहां ट्राइबल आदिवासी रहती है, तो वो जो फसलें उगाते हैं उन्हें हम लोग माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस बोल रहे हैं, तो भारत सरकार ने उनका मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी बढ़ा दिया है। तो कितने सालों में इनका माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है, और आंसर आपको देना है, क्या इसका आंसर होगा देख लीजिए यहां पे। और गाइस आंसर की बात करें तो इसका आंसर होगा हर 3 सालों में, तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का हर 3 साल में मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाया जाता है, इस बार 49 आइटम्स का बढ़ाया गया है। यह सोशियो इकोनॉमिक न्यूज है, इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ सकती है। आगे बढ़े नेक्स्ट पॉइंट, विच टीवी सीरियल हैज सेट द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर बिकमिंग द मोस्ट व्यूड एंटरटेनमेंट प्रोग्राम ग्लोबली। 7.7 करोड़ लोगों ने करीब करीब ये प्रोग्राम दिखा था, और आप सब लोग इसका आंसर देने में सक्षम है क्योंकि आप लोग जानते इसका आंसर क्या होगा, रामायण, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो 7.7 करोड़ लोगों ने 16 अप्रैल को ये देखा था, 7.7 करोड़। ठीक है आगे बढ़े, हु हैज अज्यूम चार्ज एज द सेक्रेटरी ऑफ द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। सेक्रेटरी ऑफ द वुमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट कौन बना, ये आपसे पूछा गया और आपको इसका आंसर देना है, बीए 5 ऑप्शन। सेक्रेटरीज नाम अक्सर भूल जाते हैं ना, ये प्रॉब्लम है हमारे साथ। इसका आंसर क्या होगा, आंसर इज अजय टिर्के, ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर, अजय टिर्के। ठीक है आगे बढ़े, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट वन इन द कंट्री टू प्रोवाइड फ्री एंड कैशलेस इंश्योरेंस प्रीमियम टू पीपल ऑफ द स्टेट। राज्य के लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा प्रीमियम प्रदान करने वाला देश का पहला स्टेट कौन बन गया है, ये आपसे पूछा गया है। 5 ऑप्शन आपके पास है, आंसर आपको सही देना है, क्या इसका आंसर होगा। और इसका आंसर होगा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, अंडर द महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना। मैंने आपसे बोला था अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा मैं खुद ही आपसे बोलूंगा। ठीक है नेक्स्ट पॉइंट, विच एसोसिएशन हैज लॉन्च अ नेशनल ई कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट टू हेल्प रिटेल ट्रेडर्स प्रोवाइड सर्विस टू कस्टमर। अमेजन फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी को कंपटीशन देने के लिए हमारे देश में किस ऑर्गेनाइजेशन ने अपना एक ई कॉमर्स का मार्केट प्लेस शुरू किया है, भारत मार्केट। तो ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ने शुरू किया है ये आपसे पूछा गया है, इसके बारे में गडकरी जी बोल चुके हैं। और ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था, तो ये था आपका CAIT। CAIT स्टैंड फॉर द कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर ने भारत मार्केट नाम का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म शुरू किया है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which country has taken over from India in the ICC test ranking for the first time since October 2016? मतलब करीब चार सालों के बाद ये जो टीम है इसने इंडिया को छोड़ दिया है पीछे और टेस्ट रैंकिंग में नंबर एक की टीम बन गई. और ये टीम कौन सी है? ये टीम काफी ज्यादा संघर्ष की है. जस्टिन लैंगर के कोच बनने के बाद काफी अच्छा इसने किया. इसका नाम है ऑस्ट्रेलिया. ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर. नेक्स्ट वन, व्हिच प्रोडक्ट फ्रॉम कश्मीर हैज रिसेंटली बीन गिवन द जीआई टैग. कश्मीर के अभी किस प्रोडक्ट को अभी आसपास मतलब मई मंथ में जीआई टैग मिला है ये आपसे पूछा गया और आप उसका आंसर जानते हो गाइस. क्या इसका आंसर हो? And the answer is saffron, option number C. Saffron, option number C is right answer. Let's move to question number 32. How many Indians have been selected for the prestigious membership of the American Academy of the Art and the Sciences for 2020? 2020 के लिए अमेरिकी कला और विज्ञान अकादमी की प्रतिष्ठित मेंबरशिप के लिए कितने भारतीयों का चयन किया गया? हालांकि ऐसे क्वेश्चन में नाम पूछना बड़ा ही रेयर होता है. नंबर्स में आपको याद होना चाहिए, तो नंबर्स की बात करें तो नंबर तीन. और अगर आपको इनके नाम भी याद रखने हैं तो बीमा बागची, शोभना नरसिम्हन और कविता सिंह, ये नाम है. आपको हमारे पीडीएफ में ये मिल जाएगा. टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए, जरूरी है. नेक्स्ट पॉइंट, वर्ल्ड ट्यूना डे इज ऑब्जर्व एनुअली. मैंने आपको पढ़ाया हुआ मई मंथ. वर्ल्ड ट्यूना डे हम कब मनाते हैं ये आपको बताना है और इसका आंसर भी आपको देना है. क्या इसका आंसर होगा? मयंक चौकसी 8 बोल रहे हैं, वाह भाई वाह. अंकिता मित्तल 4 बोल रही है. रीस टूरशुल 4 बोल के मुस्कुरा रहे हैं, गलत है भाई. एंड द आंसर इज मे 2, ऑप्शन नंबर बी. तो 2 मई को ट्यूना डे मनाया जाता है. आगे बढ़े, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ऑब्जर्व एनुअली ऑन 3 मई. वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को हम मनाते हैं, उसकी थीम क्या है? गाइज, हर मंथ कंप्लीट होने के बाद मैं आपको उस मंथ के पूरे डेट, उसके मतलब कौन से कौन सा वो डे है और साथ ही साथ थीम मैं पूरी आपको देता हूं पूरी ईमानदारी के साथ. और ये मैं सोचता हूं कि आपने याद किया होगा तो मुझे आंसर दीजिएगा. और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर है. जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर, ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर. 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाते हैं हम लोग, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, वर्ल्ड लॉटर डे इज ऑब्जर्व ऑन फर्स्ट संडे ऑन मई. हर मई के पहले संडे को वर्ल्ड लॉटर डे मनाते हैं. द डे वॉज फर्स्टली सेलिब्रेटेड इन विच ईयर. सबसे पहली बार ये डे कब मनाया गया था? देखो, ऐसे स्टैटिक क्वेश्चन जो होते हैं वो बेसिकली आपको रेलवे के एग्जाम में ज्यादा मिलते हैं या एसएससी के एग्जाम में. बैंकिंग के एग्जाम में ये बड़ा कम मिलता है कि ये कब से मनाया जा रहा है. लेकिन आ चुका है, एक बार क्वेश्चन आ चुका है. आंसर इज 1998, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोल माइनर्स डे इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन विच डे टू ऑनर द सेक्रीफाइस ऑफ कोल माइनर्स. डेज पर क्वेश्चन है, आंसर आपको देना है गाइस. क्या इसका आंसर होगा? क्या इसका आंसर होगा? आंसर इज मे 4, ऑप्शन नंबर ई. मे 4, ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अ रिसेंट कैंपेन आइडियाथन हैज बीन लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. द कैंपेन फोकस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया. आइडिया THON. गाइस, इसका मतलब क्या होता है कि प्रॉब्लम्स तो हैं लेकिन प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या हो सकता है? तो हमारे देश में आइडियाथन एक बहुत बड़ा कैंपेन चलाया गया था फॉर द रिवर मैनेजमेंट है. तो ऑप्शन है, रिवर मैंने मतलब कि हमारे देश में नदियों में क्या प्रॉब्लम है और इसको हम कैसे रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके लिए आइडियाथन हुआ था. रिवर मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पीएम नरेंद्र मोदी इज ऑल सेट टू पार्टिसिपेट इन द नॉन अलाइंड मूवमेंट NAM समिट. NAM वर्चुअल समिट ऑन कोरोना वायरस. इट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड एट द इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री. तो इस बार का जो ये नॉन वर्चुअल समिट ऑन कोरोना वायरस था, इसे कौन से देश ने होस्ट किया ये आपसे पूछा गया. ये भी एक इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल अफेयर्स एंड समिट एंड इवेंट है. आंसर क्या होगा? पढ़ाया मैंने, खुद आपको पढ़ाया. और इसका आंसर होगा अजरबैजान, ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर. अजरबैजान, ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ रिस्क ऑफिसर ऑफ द यस बैंक. यस बैंक के चीफ रिस्क ऑफिसर कौन बने? 5 ऑप्शन आपके पास है और आंसर आपको देना है. क्या इसका आंसर होगा? तो यस बैंक के चीफ रिस्क ऑफिसर बने हैं नीरज धवन जी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. नेक्स्ट पॉइंट, द इंटरनेशनल फायर फाइटर डे इज ऑब्जर्व ऑन विच मे टू रिमेंबर द फायर फाइटर हु हैव डाइड व्हाइल सर्विंग द कम्युनिटी. अंतरराष्ट्रीय अग्निशमन दिवस किस दिन को मनाते हैं ये आपसे पूछा गया है. ये 5 ऑप्शन, आंसर आपको सही देना है. क्या इसका आंसर हो?
एंड राइट आंसर इज 4. तो 4 मई को ये मनाया जाता है. आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें गाइस. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ एनटीपीसी? एनटीपीसी के डायरेक्टर कौन बने हैं? वी हैव 5 ऑप्शन और आंसर आपको देना है गाइस. आपको मेरी ईमेल आईडी यहां पे दिखाई पड़ रही है बच्चे लोग. इस ईमेल आईडी को नोट करके अपने अपने डाउट, क्वेश्चन, मोटिवेशन, कुछ भी आपको चाहिए, आप मुझे मेल करिए. कल दिन के 2 बजे मैं आपके क्वेश्चन पर आंसर करने वाला हूं. और आंसर क्या होगा? आंसर इज रमेश बाबू, ऑप्शन नंबर ई. रमेश बाबू बने, ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर. So, NTPC has appointed Ramesh Babu as Director Operation. Next point. The International Dawn Chorus Day is being celebrated on which day in 20 to encourage people to listen to the sound of bird. किस तारीख को अंतरराष्ट्रीय डॉन कोरस दिवस मनाया जाता है ताकि लोगों को पक्षियों की आवाज सुनने के लिए प्रोत्साहित किया जाए? वो दिन कौन सा है ये आपको बताना है. 5 ऑप्शन हमारे पास है और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज मे 3, ऑप्शन नंबर सी. 3 में ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट. द 13th वेबिनार ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म फोकस ऑन विच डेस्टिनेशन इन द देखो अपना देश सीरीज? 13वां वेबिनार ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म फोकस ऑन विच डेस्टिनेशन ऑफ द देखो अपना देश. देखो अपना देश वेबिनार सीरीज लॉन्च किया हमारे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने हमारे देश में जो भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहां पर घूमने के लिए. 13वें वेबिनार में किसके बारे में जिक्र हुआ था ये आपसे पूछा गया. आंसर आपको देना क्या, इसका आंसर देख लीजिए. तो 13th एडिशन की बात करें तो सरिस्का टाइगर रिजर्व की बात हुई थी. अगर आप पहले की बात करें तो पहले वेबिनार में क्या हुआ था? सिटी ऑफ सिटी दिल्ली पर्सनल डायरी, ये देखिए 14 अप्रैल को ये हुआ था, ये भी याद कर लीजिएगा. ठीक है, तो सरिस्का टाइगर रिजर्व याद रखना जरूरी है आपको. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट. हु हैज रिलीज एन ई बुक ऑन प्रोफेसर बीबी लाल? इंडिया रीडिस्कवर्ड. हु इज नोन फॉर हिज इमेंस कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ द आर्कियोलॉजी? किसने प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड नाम की ई पुस्तक जारी की? जारी की है, मैंने पूछा, मैंने रिटर्न नहीं पूछा क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसको मतलब इसको प्रिंट किया है इनके कुछ काम को. तो ये बुक किसने लिखा है वो क्वेश्चन नहीं है. किसने लॉन्च किया ये आपसे पूछा गया और ये लॉन्च किया है हमारे टूरिज्म मिनिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल जी ने. ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. तो प्रहलाद सिंह पटेल जी ने यह बुक लॉन्च किया है, आपको हमने आंसर दिखा दिया. नेक्स्ट पॉइंट. द इंटरनेशनल स्प्रिंग एस्ट्रोनॉमी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे एंड अगेन ऑन विच डे टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट द ब्यूटिफुल यूनिवर्स? अंतरराष्ट्रीय स्प्रिंग एस्ट्रोनॉमी दिवस 2 बार पूरे साल में मनाया जाता है, आपको दोनों की डे बतानी है. आंसर दीजिएगा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. व्हाट इज द आंसर गाइस? वी हैव 5 ऑप्शन और आंसर की बात कर ले गाइस तो आंसर इज मे 2 एंड सितंबर 26. 2 मई एंड 26 सितंबर याद कर लीजिएगा, याद होगा मेरे ख्याल से आप लोगों को. नेक्स्ट पॉइंट. द CSIR हैज लॉन्च विच एप्लीकेशन टू हेल्प फार्मर? ये क्वेश्चन हो चुका है. सप्लाई चेन एंड द रिजॉल्व एग्रीकल्चर. सप्लाई चेन के लिए CSIR ने कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया था? किसान सभा, ऑप्शन नंबर डी. तो ये क्वेश्चन हम लोग पहले ही कर चुके, किसान सभा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज कैंसल्ड द लाइसेंस ऑफ विच कोऑपरेटिव बैंक एज अ रिजल्ट ऑफ द बैंक वीक फाइनेंशियल पोजीशन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है? इस बैंक की वित्तीय स्थिति काफी कमजोर थी. हमारे सामने 5 ऑप्शन है और आपको इसका सही आंसर देना है. ये कहां का बैंक है ये भी आपको बताना है. ये कहां का बैंक है ये भी आपको बताना है. 303 लाइव हो चुके हैं तो कुछ लोग अभी मुझे कमेंट कर रहे थे कि आपके 300 लाइव नहीं होते. गाइस हमने कल भी किया था और हमने आज भी किया. और मान लो मेरे नहीं होते हैं तो मेरी बेइज्जती करके तुम्हें क्या फायदा होने वाला है? हम लोग यार आपस में एक फैमिली है, हम बढ़ेंगे, आप बढ़ेंगे, आप बढ़ेंगे, हम बढ़ेंगे, है ना? तो प्लीज समझिए इस बात को. आपसे मेरी इज्जत है और मेरी आपसे इज्जत है ना. चलिए आंसर की बात कर लेंगे गाइस. तो आंसर है सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक, ऑप्शन नंबर सी. तो सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक जो है ये बैंक कहां का है? ये बैंक मुंबई का था, याद रखिएगा. हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की. द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज मेड द आरोग्य सेतु एप्लीकेशन अ मस्ट फॉर दोज इन हॉटस्पॉट एरिया? किस राज्य सरकार ने हॉटस्पॉट एरिया में आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को जरूरी कर दिया है? कल मेरे ही मिर्जापुर में कई लोग मार खाए, मेरे पास था, मैं मास्क भी लगाया था शाम को, वह मेरे पास था, और जो नहीं लगाया था वो बहुत मार खाया. लथेड़ लथेड़ पुलिस मारी भाई साहब, एकदम धागा खोल गई मारी. आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. तो उत्तर प्रदेश हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. ठीक, नेक्स्ट पॉइंट. विच कंट्री हैज बैन द यूज ऑफ सालिवा यूज टू शाइन द क्रिकेट बॉल विया रिलीज ऑफ गाइडलाइंस? और ये बाद में गाइस आईसीसी ने भी ये बैन कर दिया. इसके लिए कमेटी बनी थी, उस कमेटी को लीड कर रहे थे अनिल कुंबले, वो आईसीसी वाली न्यूज थी. आपको यहां बताना है कौन सी कंट्री ने किया था.
कौन सी कंट्री ने किया था ये आपको बताना है, ये फाइव ऑप्शन। और इसकी आंसर की बात कर रहे हैं तो इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैज लॉन्च विच मल्टीमीडिया गाइड टू एजुकेट एंड स्ट्रेंथ पब्लिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस एंड हेल्थ। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने विज्ञान और स्वास्थ्य की सार्वजनिक समझ को शिक्षित और मजबूत करने के लिए कौन सी मल्टीमीडिया गाइड लॉन्च की है? ये फाइव ऑप्शन, आंसर आपको सही देना है, क्या इसका आंसर होगा? और गाइस अगर आंसर की बात करें तो आंसर इज कोविड खाता, ऑप्शन नंबर ई, कोविड खाता, ऑप्शन नंबर ई। खाता, खाता मीन्स खाना वाला नहीं, खाता मतलब अकाउंट है ना, खाता, ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, विच बैंक हैज रिलीज अ सॉन्ग अमिड द ऑनगोइंग नेशनल लॉकडाउन टू कीप होप्स अप अमिडस्ट कोविड 19 पैंडेमिक। तो गाइस आपको ये पता है कि किस बैंक ने कोविड 19 एक सॉन्ग लॉन्च किया था, वो सॉन्ग भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बैंक का ना अभी कुछ दिन पहले ही मैंने इसमें अपने एमसीक्यूज में आपको रिविजन करवाया था अपने मॉर्निंग वाले सेशन में। ये बैंक है HDFC, और इसने कौन सा सॉन्ग लॉन्च किया था? तो हम हार नहीं मानेंगे, हैशटैग हम हार नहीं मानेंगे, वी विल नॉट लूज। तो ये भी आपको शायद याद होगा, है ना गाइस? तो ये भी हमने आपको पढ़ाया है, कंपोज किया था ए आर रहमान ने और लिरिक्स लिखी थी प्रसून जोशी ने। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, द कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2021 हैव बीन रीशेड्यूल्ड टू विच ईयर ड्यू टू द क्लैश ऑफ डेट विद टोक्यो ओलंपिक। हम यहां पर कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स की बात कर रहे हैं 2021, जो कि त्रिनिदाद एंड टोबैगो में होने वाले। कहां पर? त्रिनिदाद एंड टोबैगो। ये 2021 में होने वाले थे, अब ये किस साल में होंगे ये आपसे पूछा गया। और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा गाइस 2023, ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर। 2023 ऑप्शन नंबर ई हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट, द वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 व्हिच हैज बीन पोस्टपोन्ड टू नवंबर दिसंबर विल बी हेल्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेडियम। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप नवंबर दिसंबर 2021 में होने वाला है, तो ये कौन से स्टेडियम में होगा ये आपसे पूछा गया। मतलब स्टेडियम के साथ साथ कंट्री भी आपको मिल जाएगी। आंसर बताइए क्या इसका आंसर होगा। पहले सोचो कि ये कहां पर होगा, और वह कहां पर होगा? तो ये होगा कैरोलिना मरीन स्टेडियम स्पेन में, ऑप्शन नंबर बी। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 की बात हो रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, और अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। हमारा नेक्स्ट पॉइंट, Which country is all set to be the first one to launch a satellite for monitoring Arctic climate this year? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। इस वर्ष आर्कटिक जलवायु की निगरानी के लिए सैटेलाइट लॉन्च करने वाला पहला देश कौन सा बन गया? वी हैव फाइव ऑप्शन, आंसर आपको देना क्या इसका आंसर। और गाइस अगर आंसर की बात करें तो ये देश है रशिया, ऑप्शन नंबर सी। रशिया ये देश है, याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। What is the theme of the World Asthma Day observed every year on the 5th May? तो 5 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे ऑब्जर्व किया जाता है। थीम आपसे पूछी गई है, थीम क्या है? भैया फाइव ऑप्शन, थीम क्या है ये आपको बताना है गाइस। तो थीम की बात कर लेते हैं, तो थीम है इनफ अस्थमा डेथ, ऑप्शन नंबर ई। इनफ अस्थमा डेथ, डेथ ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू लॉन्च द मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना गारंटिंग एटलीस्ट 120 डे ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू पीपल लिविंग इन द अर्बन एरिया। किस राज्य की सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कम से कम 120 दिनों के रोजगार की गारंटी देने वाला मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू किया है? वो कौन सा स्टेट है ये आपसे पूछा गया है, जिसमें 120 दिन की एम्प्लॉयमेंट गारंटी मिलेगी शहर के जो लोग हैं उनको। और ये स्टेट कौन सा है? तो ये स्टेट कौन सा है? ये स्टेट है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। हिमाचल प्रदेश हमारा सही आंसर, हिमाचल प्रदेश, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। चंडीगढ़ हैज लॉन्च विच मोबाइल एप्लीकेशन फॉर द कोविड 19 टू प्रोवाइड एक्सेस टू द ऑल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू कोविड 19। चंडीगढ़ ने कोविड 19 के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जो कोविड 19 से संबंधित सभी जानकारी तक आपकी पहुंच बनाएगा? बियर फाइव ऑप्शन, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका भी सही आंसर आपको देना। फाइव ऑप्शन हमारे पास है, एंड द आंसर इज सी एच डी कोविड, ऑप्शन नंबर सी। तो CHD COVID, ऑप्शन नंबर सी। अंशुल झारखंड वाली बात करें तो झारखंड ने अनस्किल्ड, बेटा पहले पूरा पढ़ा करो, झारखंड वाले ने अनस्किल्ड के लिए स्कीम लॉन्च की है, और इसमें स्किल्ड अनस्किल्ड नहीं लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, विच कंपनी हैज लॉन्च टू वॉइस बेस्ड एप्लीकेशन टू कर्ब द नीड टू टच हैंडसेट फॉर चेकिंग ट्रांजेक्शंस अमिड द कोविड 19 आउटब्रेक। इसमें से कौन सी फाइनेंशियल कंपनी है जिसने की दो तरह के एप्लीकेशन निकाले हैं, जिसमें कि आपको अपना मोबाइल फोन बार बार टच नहीं करना पड़ेगा, अगर कोई ट्रांजेक्शन होता है तो उसका मैसेज आपके पास वॉइस मैसेज आएगा? मैं आपको दिखाता हूं, आंसर दीजिए क्या इसका आंसर होगा। ये मैं पढ़ा चुका हूं अपने करंट अफेयर्स में, इसलिए मुझे याद है। ये कंपनी कौन सी थी? तो ये कंपनी कौन सी थी? ये कंपनी थी आपकी NPCI, नहीं सोना अरविंद, कहां तुम हो बेटा, बहुत मार खा जाओगे।
इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर भारत पे। तो भारत पे ने दो एप्लीकेशन निकाले थे वॉइस बेस्ड, एक पैसा बोलेगा और एक भारत पे बैलेंस, रेड कलर में आपको दिखाई पड़ रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट, द आरोग्य सेतु एप्लीकेशन लॉन्च बाय द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस विच पोर्टल फॉर टेलीमेडिसिन सर्विसेज एंड कंसल्टेशन टू पीपल। सरकार द्वारा शुरू किए गए आरोग्य सेतु एप्लीकेशन ने टेलीमेडिसिन सेवाओं और लोगों के परामर्श के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, और इसका आंसर क्या होगा? 310 लोग हो चुके हैं हमारे पास, क्या 350 जा सकता है क्या हमारे पास? आंसर वी है 5 ऑप्शन। आंसर क्या होगा? आंसर इज मित्र पोर्टल, ऑप्शन नंबर डी। मित्र पोर्टल ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, याद कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, The Saras collection launch on the government e-marketplace portal showcases which of the following product? तो जो government of India का अपना e-marketplace है, अपना जो online platform है, GEM, GAM, उस पे एक Saras collection launch किया गया। तो इनमें से वो किस लोगों का product है जो कि मतलब proper जिसे हम Saras collection बोल रहे हैं? What is the answer? इसका answer क्या होगा? Honestly, आपका डाउट देख लेते हैं एक बार। इसका आंसर होगा डेली यूटिलिटी प्रोडक्ट्स मेड बाय द एसएचजी। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप लोगों का ये प्रोडक्ट, ये पूरा कलेक्शन था द सरस कलेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, विच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैज पार्टनर्ड विद द हांगकांग फाइनेंशियल कैपिटल फर्म टू क्रिएट अ ग्लोबल नेटवर्क एज वेल एज वेंचर इकोसिस्टम। किस वित्तीय संस्थान ने एक वैश्विक नेटवर्क के साथ साथ एक वेंचर, वेंचर मतलब एक कंपनी, इकोसिस्टम बनाने के लिए हांगकांग फाइनेंशियल कैपिटल फर्म के साथ एग्रीमेंट किया है? वो कौन सा एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, ये आपसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, और यहां पर आंसर आ रहे हैं। आंसर क्या होगा? आंसर इज IIT हैदराबाद। आज हमारे पास 328 लाइव हो गए गाइस, ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। बहुत बढ़िया गाइस, काफी अच्छा सपोर्ट चल रहा है आप लोगों का, और हम 350 की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। आंसर IIT हैदराबाद है। आगे बढ़े, विच कंपनी हैज कोलैबोरेटेड विद द एक्टर्स फ्रॉम बॉलीवुड टू पुट टुगेदर अ फंडरेजर कंसर्ट आई फॉर इंडिया। इसमें से कौन सी कंपनी ने बॉलीवुड के साथ एक मतलब कोलैबोरेशन किया है आई फॉर इंडिया, जिससे कि फंड रेज किया जा सके फॉर द COVID-19? वी हैव 5 ऑप्शन, व्हाट इज द आंसर? वी हैव 5 ऑप्शन, व्हाट इज द आंसर? क्या इसका आंसर होगा, देख लीजिए यहां पे। दीपक 350 केवल बोलने से नहीं होगा, शेयर करो जी। और इसका आंसर फेसबुक है, ऑप्शन नंबर डी। फेसबुक ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज इंडियाज रैंकिंग इंडिया अमंग कंट्रीज इन द पब्लिकेशन ऑफ द साइंटिफिक जर्नल। कल आना, कल बहुत मजा आएगा, कल सब लोग आना, कल बहुत मजा आएगा, मजे साथ हम कुछ सीखेंगे भी जरूर। मतलब देखो होता क्या कि थोड़ा एग्जाम को लेकर प्रैक्टिकल अप्रोच, एग्जाम क्वालिफाई करने का प्रैक्टिकल अप्रोच। और गाइस आपको पता है कि जो मेरे एग्जाम्पल्स होते हैं, कहीं ना कहीं मैंने वो लाइफ जी है, तो मुझे पता है कि कैसे जख्मों पे नमक छिड़कना है, वो मुझे पता है। तो नमक छिड़कवाना हो तो आ जाना कल, और बेइज्जती करवानी हो तो आ जाना कल, लेकिन वो आपके अच्छे के लिए। आंसर इज थर्ड ऑप्शन नंबर ई। तो भारत की रैंक की बात करें, साइंटिफिक जर्नल्स को पब्लिकेशन करने में पहले पे चाइना, दूसरे पे यूएस, तीसरे पे इंडिया, ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, नेम द डिस्कस थ्रोअर हु हैज बीन स्लैप्ड विथ अ 4-year बैन बाय वाडा फॉर फ्लंकिंग अ डोपिंग टेस्ट। तो डिस्कस थ्रोअर का नाम बताइए, जिन्हें डोपिंग परीक्षण में जिनका पॉजिटिव रिजल्ट आ गया, वाडा ने इन पर 4 साल का बैन लगाया हुआ है, वो कौन है? आंसर दीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा संदीप कुमारी जी, ऑप्शन नंबर सी, संदीप कुमारी जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, विच इंस्टीट्यूशन हैज डेवलप एन अल्ट्रा वायलेट डिस इंफेक्शन टावर फॉर रैपिड एंड केमिकल फ्री डिस इंफेक्शन ऑफ हाई प्रोन्स एरिया। संस्थान का नाम बताइए जिसने उच्च प्रवण क्षेत्रों के तेजी से और रासायनिक मुक्त कीटाणु शोधन के लिए एक अल्ट्रावायलेट कीटाणु शोधन टावर डेवलप किया। टावर का मतलब लंबा वाला नहीं, मतलब ठीक समझ गया। आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा DRDO, ऑप्शन नंबर बी। 349 लोग हो चुके हैं गाइस, मुझे 349 लोग दिख रहे हैं, क्या 350 आपको दिखाई पड़ रहा है? एक और बढ़ेगा 350 हो जाएगा हमारे पास। आंसर क्या होगा? तो गाइस आंसर इज DRDO, ऑप्शन नंबर बी। DRDO ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, DBS बैंक की। DBS बैंक ने भारत की इकोनॉमी को कम कर दिया है, कितना कर दिया है? जो कि पहले 1.5% बोला गया था, 1.5% बोला गया था। राजू बोल रहे हैं कि सर आपकी वॉइस बहुत अच्छी है। यार एक बार राजू भाई एक इंसिडेंट सुनो, एक बार मैं घर के बाहर गाना गा रहा था, तो हमारी माता जी रोटी सब्जी और कुछ लेकर आ गई, तो उन्होंने बोला अरे तुम हो क्या, मुझे लगा कोई भिखारी आया है।
तो मुझे पता है। प्रकाश बोल रहे हैं कि सारे क्वेश्चन आईबीपीएस गाइड के। अरे भाई मैं वहीं पढ़ाता हूँ भाई, मैं वहीं के क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल, ये पहला सेट है ना बेटा। अभी तो हम लोग कम से कम 500 क्वेश्चन करेंगे, आप परेशान ना उसके लिए। तो 1%। नेक्स्ट पॉइंट गाइस, हु हैज बीन नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ट्रंप एज अ रिप्रेजेंटेटिव टू द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय बैंक के प्रतिनिधि के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो who has been appointed by the President Trump as a representative to the International Bank for Reconstruction and Development? तो IBRD World Bank का एक पार्ट है, और President Trump ने किसे अपना representative appoint किया है वहाँ पे, ये आपसे पूछा गया है, इसका answer क्या होने वाला है? And the answer is Ashok Pinto, option number D is the right answer. Very good. स्वेता बेटा ये जोक नहीं है, ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है जो हमेशा आपके साथ रह जाती है, आपकी यादों में रह जाती है। द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च एन एग्जिट एप्लीकेशन फॉर द स्टैंडर्ड पीपल ऑफ अदर स्टेट हु वांट टू रिटर्न टू देयर नेटिव प्लेस। मैं ये पढ़ा चुका हूं, आंसर आपको देना है, क्या इसका आंसर होने वाला है? देख लीजिए आप, आंसर की बात हम लोग कर रहे हैं, क्या इसका आंसर होगा? किस स्टेट ने एग्जिट ऐप नाम का एप्लीकेशन डेवलप किया है? अपूर्वो बेटा हमारे टेलीग्राम चैनल पे सारे रॉकस्टार, आप आइए, पीडीएफ मांगिए, आपको सब मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चे एक्टिव हैं हमारे हमारे हमारा टेलीग्राम चैनल गाइस जो है ना, जीए बैबजी सर, वो इस पूरे इंडस्ट्री का सबसे बेहतर ग्रुप है। आप चाहें तो आकर वहां पर अपने आप को जज कर सकते हैं। आंसर इज वेस्ट बंगाल, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, आईसीएमआर हैज डिसाइडेड टू लीवरेज विच वर्चुअल एजेंट टू इनेबल रैपिड रिस्पॉन्स टू कोविड 19 टेस्टिंग फैसिलिटीज एंड ब्लॉस्टर रैपिड रिस्पॉन्स टू इंडिया फ्रंटलाइन टेस्टिंग फैसिलिटी। तो आईसीएमआर ने कोविड 19 परीक्षण सुविधाओं पर तेजी से प्रतिक्रिया देने के लिए भारत की सीमा परीक्षण सुविधाओं के लिए तेजी से प्रतिक्रिया देने के लिए एक वर्चुअल एजेंट का ये आईबीएम ने बनाया है। अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं तो आईबीएम ने एक तरह का वर्चुअल एजेंट बनाया है जो कि रैपिड रिस्पॉन्स के लिए है। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा वॉटसन, ऑप्शन नंबर ई। चश्मा पहने चश्मा पता नहीं क्या रख दिया आज। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, मैं 9 o'clock 7 to 8 मेरी क्लास होती है और 8 बजे मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ। मेरे नीज में चोट आई थी, आपको शायद पता होगा, तो उसमें फ्रैक्चर हो गया, तो मुझे डेली सुबह और शाम को डॉक्टर के पास जाना पड़ता है फॉर द फिजियोथेरेपी 1 घंटे के लिए। तो मैं चश्मा, तभी मेरा अपना भगाल है, मैं चश्मा पहन के जाता हूँ, है ना। तो वहां पे डॉक्टर्स हैं, पूरा स्टाफ है वहां पे, तो इसलिए थोड़ा सा आपकी क्लास प्रॉपर नहीं हो पा रही थी, दूसरी वाली क्लास, लेकिन अभी मैंने दर्द को समेट लिया अपने अंदर और क्लास हमारी हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट, Who has been फिर 349 हो गए हैं यार, 50 कब होंगे? Who has been appointed as the new chief financial officer of the Flipkart and Myntra? फ्लिपकार्ट और मिंत्रा के न्यू चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन बने हैं, ये आपसे पूछा गया और आपको इसका आंसर देना है। आपको पता है मैं छड़ी लेके चलता हूं घर में, सोच लीजिए आंसर, आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा? आंसर इज श्रीराम वेंकटरमन, ऑप्शन नंबर बी। श्रीराम वेंकटरमन, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। SBI क्लर्क बेटा जब होगा तब होगा, आप परेशान ना। नेक्स्ट पॉइंट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू इकोनॉमिक रिलेशन सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। विदेश मंत्रालय में एक नए आर्थिक संबंध सचिव के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू इकोनॉमिक रिलेशन सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। 5 ऑप्शन हमारे पास है, आंसर आपको देना, क्या इसका आंसर होगा? आंसर इज राहुल छाबरा, ऑप्शन नंबर ई। राहुल छाबरा, ऑप्शन नंबर राइट आंसर। 355 हो गए, वो ब्रावो ब्रावो, गट गट, सब लोग अपने लिमिट से दबाओ, सब लोग हम डेली रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इस अभी हम मई को टारगेट कर रहे हैं, आफ्टर दैट हम जून को टारगेट करेंगे, चिंता ना करें। स्पोर्ट्स गवर्निंग बॉडी फीना हैज पोस्टपोन द 2021 फुकुओका वर्ल्ड चैंपियनशिप टू दिस मंथ ड्यू टू द कोविड-19 पैंडेमिक। तो स्पोर्ट्स गवर्निंग बॉडी फीफा ने महामारी कारण 2021 फुकुओका विश्व चैंपियनशिप को किस मंथ के लिए और किस ईयर के लिए स्थगित कर दिया? तो ईयर आपको पता है 2022, और मंथ कौन सा है, मंथ कौन सा है? तो मंथ है मई, मई मंथ 2022 में फीना का अपना फुकुओका वर्ल्ड चैंपियनशिप होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, तो वर्ल्ड एक्वेटिक चैंपियनशिप, एक्वेटिक का मतलब समझ गए ना आप लोग, तैरना स्विमिंग की बात हम कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हाउ मेनी फोटो जर्नलिस्ट फ्रॉम इंडिया हैव वन द पुलित्जर 2020 प्राइज। भारत से कितने फोटो जर्नलिस्ट को पुलित्जर पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है? नंबर तक बताना है। मैक्सिमम लोग बेटा इसमें जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के थे। कितने लोग थे, पढ़ा चुके हैं आपको, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 3। तो 3 फोटो जर्नलिस्ट थे इंडिया से, इनका नाम है डॉक्टर यसीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद, ये 3 लोग हैं।
नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लें. व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल मिडवाइफ डे ऑब्जर्व एनुअली ऑन 5th of May एवरी ईयर. तो आपको बताना है हर साल 5 मई को इंटरनेशनल मिडवाइफ डे ऑब्जर्व किया जाता है. इस बार की थीम आपको बतानी है, थीम क्या है. भैया 5 ऑप्शन, अच्छा क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर मिडवाइफ विथ वुमेन सेलिब्रेट डेमोन्स्ट्रेट मोबिलाइज यूनिट आवर टाइम इज नाउ. ये पूरा है, आप लोग आवर टाइम इज नाउ याद कर लेंगे तब भी काम आपका हो जाएगा, एग्जाम इतना लंबा नहीं आएगा. आवर टाइम इज नाउ ये आप देख लीजिएगा. नेक्स्ट पॉइंट, द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च 3 स्कीम. बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना एंड पोटो हो खेल विकास स्कीम टू बूस्ट रूरल एम्प्लॉयमेंट इन अ बिड टू रिवाइव द इकोनॉमी आफ्टर लॉकडाउन. बिरसा मुंडा किस स्टेट से थे ना, कुछ चीजें ऐसी होती है गाइस आपको अगर आंसर नहीं भी आता तो अगर आपने एक दो वर्ड पकड़ लिया तब भी आपका काम हो जाएगा. इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर झारखंड होगा. बिरसा मुंडा रांची, बिरसा मुंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना. Next point. Who is the head of the ADA panel on drafting standard professionals in indemnity policy for insurance intermediaries? Policybazaar.com. मैंने policybazaar.com से स्टार हेल्थ इंश्योरेंस से इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी. तो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस एक पार्टी हो गई, मैं एक पार्टी हो गया और बिचौलिए इंटरमीडियरी कौन हो गया, पॉलिसी बाजार हो गया. तो बिचौलिए के लिए एडा ने अभी एक पैनल बनाया है, उस पैनल को लीड कौन करेगा ये आपसे पूछा गया है. 5 ऑप्शन. और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा यज्ञा प्रिया भारत ऑप्शन नंबर 3. ठीक है, तो वाईपी भारत ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर. वेरी गुड. नेक्स्ट पॉइंट, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज लॉन्च विच एप्लीकेशन टू हेल्प पीपल गेट हेल्थ रेमेडीज एंड टेल यूजर्स ऑन हाउ टू यूज किचन इंग्रेडिएंट टू इंप्रूव द बॉडी इम्यूनिटी. उत्तर प्रदेश सरकार ने लोगों को स्वास्थ्य उपचार प्राप्त करने में हेल्प करने के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है जो कि यूजर्स को यह भी बताएगा कि आपके शरीर में जो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो किचन आपके रसोई के आइटम से कैसे अच्छा हो सकता है, कौन कौन से आइटम्स है. तो ये एप्लीकेशन का नाम क्या है, इस एप्लीकेशन का, तो इस एप्लीकेशन का नाम है आयुष कवच कोविड ऑप्शन नंबर 1. आयुष कवच कोविड ऑप्शन नंबर 1 भाई सही बात है ना, इसीलिए तो हम इंडियंस की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है, हमारे यहाँ डेथ रेशियो इतना कम है. हमारे घर में बचपन से ही हम लोग अपना किचन में घुस जाते हैं, अपना एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं. जो गर्ल्स देख रही हैं वीडियो, गर्ल्स बड़ी अच्छी बच्चियां होती हैं, मम्मी पापा का पूरा हाथ बटाती हैं, किचन में काम करती हैं, घर में जरूरत पड़ी झाड़ू पोछा भी लगाती हैं, अपनी पढ़ाई भी कर रही हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कर रही हैं, है ना बच्चियों, आप लोग करते हो ना सारे काम. चलो दिल से पूछना अपने अपने. Who has been appointed as the MD CEO of the Max Bupa Health Insurance? Max Bupa Health Insurance के MD CEO कौन बने, ये आपसे पूछा गया. आपको इसका आंसर देना है, ये 5 ऑप्शन. जो जो गलत हंस रही है मैं समझ रहा हूं सर. इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर कृष्णन रामचंद्रन ऑप्शन नंबर सी. तो कृष्णन रामचंद्रन ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, विच इंडियन अमेरिकन अटॉर्नी हैज बीन नॉमिनेटेड बाई द US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एज अ US फेडरल कोर्ट जज. तो किस भारतीय अमेरिकी अटॉर्नी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी संघीय अदालत के न्यायाधीश के रूप में नामित किया है. 5 ऑप्शन आपके पास है, आंसर आपको सही देना है. क्या इसका आंसर होगा, क्या इसका आंसर होगा, एंड द आंसर इज सरिता कोमा टीरेड्डी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, हु हैज बीन अवार्डेड अ कमेमोरेटिव वॉर मेडल मार्किंग द 75th एनिवर्सरी ऑफ द विक्ट्री ओवर नाजी जर्मनी बाय व्लादिमीर पुतिन. तो व्लादिमीर पुतिन द्वारा नाजी जर्मनी पर जीत की 75th वर्षगांठ के अवसर पर एक स्मारक युद्ध पदक से किससे सम्मानित किया जाएगा. आपको बताया आज ही, वो आज ही ने परेड हो रहा है, इंडिया के भी 75 ट्रूप्स गए वहां पर. तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या, इसका आंसर है कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट भाई भाई रशिया एंड नॉर्थ कोरिया, मतलब किंग जोंग उन ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर. नेक्स्ट पॉइंट गाइस, द सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैज टाइड अप विद विच कंपनी टू टेक अप रिसर्च एक्टिविटी टू कोविड-19. तो सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने कोविड-19 से संबंधित अनुसंधान गतिविधियों के लिए किस कंपनी से एग्रीमेंट किया है, मतलब ये लोग मिलकर क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे, वैक्सीन बनाएंगे. आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, आंसर होगा आइस्टर्न रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड एंड सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर. द इंडियन नेवी हैज लॉन्च विच ऑपरेशन टू रिपेट्रिएट इंडियन सिटीजन फ्रॉम ओवरसीज. भारतीय नौसेना ने भारतीय नागरिकों को विदेशों से वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. आंसर क्या होगा,
इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा समुद्र सेतु एप्लीकेशन, समुद्र सेतु ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, समुद्र सेतु ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, तो समुद्र सेतु आपको यहां पे दिखाई पड़ रहा होगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। नेम द पोर्टल लॉन्च बाय द डीजीसीए टू प्रोवाइड फास्ट ट्रैक अप्रूवल टू COVID-19 रिलेटेड ड्रोन ऑपरेशन। तो डीजीसीए ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है फास्ट ट्रैक अप्रूवल टू COVID-19 ड्रोन ऑपरेशन? अच्छा क्वेश्चन ये भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर गरुण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। COVID-19 के टाइम पर ड्रोन काम कैसे यूज कर सकते हैं, उसके अप्रूवल के लिए ये लॉन्च हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट गाइस, द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट इज प्लानिंग टू लॉन्च अ न्यू प्रोग्राम निगा इन ऑर्डर टू एजुकेट द पीपल इन द स्टेट अबाउट सोशल डिस्टेंसिंग एंड द क्वारंटाइन मेजर्स। सामाजिक, किस राज्य की सरकार ने सामाजिक भेदभाव और संगरोध उपायों से के बारे में राज्य के लोगों को शिक्षित करने के लिए एक नया कार्यक्रम निगाह शुरू किया? वी आर फाइव ऑप्शन, और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। तो हिमाचल प्रदेश निगाह, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट गाइस, द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च कॉन्स्टिट्यूट लैब इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी हैव साइंड अ एमओयू विद विच कंपनी फॉर लाइसेंसिंग ऑफ नो हाउ रिलेटेड टू रैपिड एंड एक्यूरेट डायग्नोसिस ऑफ COVID-19। CSIR ने और मतलब CSIR का अपना एक पार्ट है, इसका नाम क्या है? लैब इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी। इसने किसके साथ एक MOU साइन किया है फॉर द नो हाउ, व्हाट इज द आंसर? और इसका आंसर टाटा सन से, बहुत बढ़िया साइन है बच्ची, बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑन द बोर्ड ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने, मतलब गवर्नमेंट ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में अपना एक आदमी अपॉइंट किया है, नाम बताना है आपको। आपको बताया गया इसकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से दो लोग होते हैं, एक इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी होता है। तो इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी जो नए बने उनका नाम बताना है, इनका नाम क्या है? तरुण बजाज, ऑप्शन नंबर बी। तरुण बजाज ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज लॉन्च अ न्यू वर्किंग कैपिटल प्रोडक्ट टू हेल्प कस्टमर मीट द अर्जेंट लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग द लॉकडाउन? किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लॉकडाउन के दौरान आवश्यक तरलता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक वर्किंग कैपिटल लोन लॉन्च किया? ये कौन सा बैंक है? तो ये है आपका सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिएगा, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। नाबार्ड हैज डिसबर्स दिस अमाउंट टू स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक अक्रॉस द कंट्री। नाबार्ड ने किसानों को ऋण देने के लिए और अपने संसाधनों को बढ़ाने के लिए देश भर में राज्य सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को इतने अमाउंट का भुगतान किया। वो अमाउंट क्या है? तो वो अमाउंट है 12,767 करोड़ रुपीज, ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च एन एप्लीकेशन टू मॉनिटर द एग्रीकल्चर नीड ऑफ फार्मर? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों की कृषि जरूरतों की निगरानी के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया? अगर नाम होगा एप्लीकेशन का तो वो हम आगे बढ़ाएं बताएंगे आपको। आंसर इस आंध्र प्रदेश, और अगर उस एप्लीकेशन का नाम क्या है तो उसका नाम है CMAPP, कॉम्प्रहेंसिव मॉनिटरिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्राइस एंड प्रोक्योरमेंट, CMAPP। तो चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश प्रोक्योरमेंट, ये होगा इस एप्लीकेशन का नाम, चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश प्रोक्योरमेंट। ठीक है, याद कर लीजिएगा। Who among the following has been honored with the 40 most influential Asian under 40 recognition? किसे 40 मान्यता के तहत, मतलब सब 40 सबसे प्रभावशाली एशियाई से सम्मानित किया गया, उनका नाम आपको बताना है। वीआर फाइव ऑप्शन, और इनका नाम है श्रेणी गोदावत। श्रेणी गोदावत की बात करें गाइस, तो ये किस लिए हुए हैं? तो वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड द रिमार्केबल ग्रोथ ऑफ स्टार एयर विच ही हेड्स द कैपेसिटी ऑफ इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, स्टार एयर कंपनी के ये MD हैं, उसके लिए इनको मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, PNB हाउसिंग फाइनेंस हैज साइंड अ MOU विद विच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू सपोर्ट R&D एक्टिविटी रिलेटेड टू COVID-19। तो PNB हाउसिंग फाइनेंस ने किस IIT के साथ एग्रीमेंट किया है फॉर द एजुकेशनल पर्पस? भैया फाइव ऑप्शन, क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? गौरव जी कमेंट आपका आ रहा है, आंसर इज IIT दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी, IIT दिल्ली। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे ऑब्जर्व एनुअली ऑन 5th मई? तो 5 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला विश्व हाथ स्वच्छता दिवस का विषय क्या है, थीम क्या है, ये आपसे पूछा गया, थीम आपसे पूछा गया। और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स, ऑप्शन नंबर डी। सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर।
Which organization is all set to start a campaign to protect senior citizens during COVID-19? तो वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित करने के लिए एक अभियान शुरू करने के लिए कौन सा संगठन तैयार है, मतलब इसने स्टार्ट कर दिया कि आपसे पूछा गया। कैंपेन प्रोटेक्ट टू फॉर द सीनियर सिटीजन, और ये लॉन्च किया है नीति आयोग। तो नीति आयोग ने प्रोटेक्ट नाम का कैंसर, देखो ये पूरा कैंपेन देखो यहां पे, तो सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान, सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान प्रोटेक्ट अभियान नीति आयोग ने लॉन्च किया है, ये पूरा है, ठीक है। तो देख लो, सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान। नेक्स्ट पॉइंट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द पार्लियामेंट पब्लिक अकाउंट कमेटी। चेयरपर्सन ऑफ द पार्लियामेंट पब्लिक अकाउंट कमेटी के मतलब चेयरपर्सन कौन, मतलब कौन चेयरमैन बना, ये आपसे पूछा गया, रीअपॉइंट हुए, इसका नाम क्या है। इनका नाम है अधीरंजन चौधरी जी, ये कांग्रेस के लीडर है, मेंबर ऑफ द मतलब ये अपोजिशन में, अपोजिशन लीडर है ये। नेक्स्ट पॉइंट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द लेबर ब्यूरो इन द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट। श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है। पांच ऑप्शन आपके पास है, आंसर आपको देना है, एंड द आंसर इज डीपीएस नेगी। तो डीपीएस नेगी को बनाया गया है न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द लेबर ब्यूरो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हु हैज बीन चूजन एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इराकी पार्लियामेंट। इराकी संसद द्वारा चुने गए नए प्रधानमंत्री का नाम बताना है। पांच ऑप्शन आपके पास है, आंसर क्या होगा, आंसर इज मुस्तफा अल कादिमी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे जो है वो हम कब ऑब्जर्व करते हैं, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, तो ये ऑब्जर्व किया जाता है 7 मई को, ऑप्शन नंबर बी, 7 मई को, ऑप्शन नंबर बी। अगर थीम की आप बात करेंगे तो थीम है एथलेटिक्स फॉर अ बेटर वर्ल्ड, एथलेटिक्स फॉर अ बेटर वर्ल्ड, ठीक है। चलिए तो गाइज आज के लिए इतना ही, कल हमारा एफएक्यू सेशन है, आपको मेरी ईमेल आईडी दिखाई पड़ रही है, नोट कर लीजिए। आपको कोई भी डाउट पूछना है, कोई क्वेश्चन पूछना है, कुछ आपको मोटिवेशन चाहिए, कुछ आपको मेरे बारे में जानना है, जो भी जानना है आपको गाइडली के बारे में, किसी के बारे में, अपने अपने क्वेश्चन मुझे मेल करिए इस मेल आईडी पर। कल मैं आपके नाम आपकी ईमेल लेकर आऊंगा और आपकी ईमेल आईडी पर मैं क्वेश्चन आंसर करूंगा। थैंक यू सो मच गाइज हमारे सेशन को बेस्ट से बेस्ट बनाने के लिए, डेली हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और इस बार हमारा सिलेक्शन होना ही होना, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं, वास्तव में मेहनत करेंगे करेंगे ना। थैंक यू सो मच गाइस, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे कल मॉर्निंग में फॉर द 7 AM करंट अफेयर्स एंड 2 बजे FAQ के साथ। थैंक यू सो मच।